नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। कुछ ऐसे इन्वेंशन, कुछ ऐसे गैजेट्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि 2018 में आपको नए देखने को मिलेंगे। 2017 काफ़ी अच्छा साल रहा टेक्नोलॉजी की तरफ से अगर देखा जाए तो, काफ़ी नई चीज़ें निकली, काफ़ी अच्छा था। अब 2018 में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी या जो भी इन्वेंशन या जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं, ये सिर्फ इंडिया से नहीं होंगी, ये पूरे वर्ल्ड को मैं कवर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं ये नई चीज़ें जो 2018 में आने वाली हैं। अच्छा, आपने माइक्रोवेव ओवन का नाम तो सुना होगा, क्या आपने फ्रिगोंडाज का नाम सुना है? अब बोलेंगे ये फ्रिगोंडाज क्या होता है। देखिए, अब जैसे माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव में खाना पकता है, तुरंत खाना गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत खाना या तुरंत आइसक्रीम जमानी हो तो क्या करेंगे आप? ऐसा तो कोई फ्रिज अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। यही है फ्रिगोंडाज, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण आपके घर का जिससे आप चुटकी में, एक मिनट में, दो मिनट में अपने खाने को, अपने पीने वाली ड्रिंक को, या आइसक्रीम जमानी हो, कुल्फी जमानी हो, तो वो दो तीन मिनट में ही जमा सकते हैं। इंस्टेंट कूलिंग ये देता है, इंस्टेंट फ्रीजिंग, तुरंत कोई भी खाने को, किसी भी पेय पदार्थ को वो तुरंत जमा देता है। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, देखने को मिलेगी, घर घरों में पहुँचेगी। और यूनाइटेड स्टेट्स में यानी यूएस में 2018 में इसके जो रिलीज है वो हो सकती है और ये घर घर पहुँच सकता है। वाह, आइसक्रीम तीन मिनट में तैयार, क्या बात है, मजा आ जाएगा। अगली जो नई चीज आपको देखने को मिलेगी 2018 में वो है रेड स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन। जिन लोगों को स्मार्टफोन बहुत पसंद है, डब्बे खुलते हुए देखने में बहुत मजा आता है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। और जो स्मार्टफोन्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जिसके स्क्रीन से आप होलोग्राफिक देख सकते हो, मतलब 3D में देख सकते हो, बिल्डिंग के अंदर क्या अगर बिल्डिंग दिख रही है तो वो होलोग्राफिक इफेक्ट के साथ आप इमेजेस को और वीडियोस को अपने फोन पर देख पाएंगे। इस फोन का जो लॉन्च है वो 2017 सितंबर में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये डिले हो गया। तो आप फॉर श्योर कह सकते हैं कि 2018 में रेड स्मार्टफोन कंपनी का ये स्मार्टफोन आएगा जहां पर स्क्रीन पर होलोग्राफिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। होलोग्राफ आपको नहीं पता है तो आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने होलोग्राफ के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया है कि ये क्या होता है। अगली जो नई चीज आपको 2018 में देखने को मिलेगी वो एक अनोखा रिस्ट बैंड होगा जो कि आपके बॉडी में अल्कोहल लेवल, कितनी आपने शराब पी हुई है, कितनी दारू गटक गए हो आप, वो आपको बता सकेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं, अभी अगर ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पकड़ती है किसी को भी, अगर शक होता है कि वो दारू पीकर गाड़ी चला रहा है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, तो वो ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल करती है और उससे सांस लेवाते हैं, बेसिकली उसकी सांसें उसमें एनालाइज की जाती हैं और उसमें पता चल जाता है कि उसने दारू पी हुई है या नहीं पी हुई है। लेकिन अब इस रिस्ट बैंड से स्किन से ही पता लगाया जा सकेगा कि आपने कितनी दारू पी हुई है या आपने दारू पी हुई है या नहीं। तो ये काफ़ी नई चीज़ हो सकती है। कई बार थोड़ा सा ना अजीब लगता है जब मुँह में दे रही है ट्रैफिक पुलिस वो के सांस लो यार, इसमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है रिस्ट बैंड से पहन के कि आपने दारू पी हुई है या नहीं पी हुई है। ये एक नई चीज़ है, क्राउड फंडिंग इसकी कराई गई है और बहुत सारे कैंपेन वगैरह जो भी चल रहे हैं। तो 2018 में ये जो गैजेट आपको देखने को मिल सकता है और ये सबसे पहले मेरे ख्याल से यूएस में ही आएगा। इंडिया में आने में टाइम कहाँ लगता है, आजकल तो बाहर से चीज़ें मंगा लेते हैं तुरंत, क्यों, है ना। और एक नया ही कॉन्सेप्ट 2018 में आने वाला है जिसका नाम है Amazon Go Store। आप बोलेंगे ये कैसा कॉन्सेप्ट है भैया? तो ये अमेरिका में, यूएस में सीएरल वॉशिंगटन में एक पहला ऐसा स्टोर खुला है Amazon Go का, जहां पर आप आइए, सामान उठाइए और मतलब डालिए अपने बैग में और लेके चले जाइए। अब आप बोलेंगे फ्री में मिलता है क्या? नहीं, फ्री में नहीं मिलता है। वहाँ पर ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं कि आप जो भी सामान उठाएंगे, जो भी अपने उसमें डालेंगे, वो सेंसर्स सेंस कर लेंगे कि आपने क्या उठाया है और वो आपके वॉलेट में या आपके बिल पे चढ़ जाएगा और आपके अपने आप अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो जो उठाना है आओ, चलते चलते जो भी चीज़ उठानी उठा के रखो, चलते बनो, अपने आप पैसे काट लेगा अमेज़ॉन, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा सुविधाजनक ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा और शॉपिंग बहुत फास्ट हो पाएगी। मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा चेकआउट की लाइन में। मैं गया था मॉल में, बहुत टाइम लगता उधर, बिग बाज़ार गया था मैं, हाँ बहुत टाइम लग गया, ट्रॉली लेके खड़े हैं। तो वे इस चीज़ से बचा जा सकता है Amazon Go Store की मदद से। तो ये अभी वॉशिंगटन में है, तो ये जल्दी ही इंडिया में भी 2018 में बड़ी बड़ी सिटीज़ में आ सकता है।
अगली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो एप्पल के होम पॉड होंगे। होम पॉड बोले ये क्या होता है, आईपॉड तो सुना था, होम पॉड क्या होता है? देखिए ये एक स्मार्ट स्पीकर की रेंज है अब जो एप्पल 2018 में लाने वाला है एक नए तरीके से, जिसमें क्या होगा कि ये स्पीकर छोटे छोटे आपके दीवारों पर लग जाएंगे और आप इनसे एप्पल और इसके जो सीरी है वो इसमें होगा और इससे आप बात कर सकते हैं। हेलो सीरी, कोई बढ़िया गाना चला रहे तो वो बढ़िया गाना चलाएगी, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेदर रिपोर्ट ले सकते हैं। छोटा सा स्पीकर होगा और ये आपके कमरे के हिसाब से अच्छा एकॉस्टिक एक्सपीरियंस आपको देगा। मतलब पहले ये भांप लेगा कि आपका कितना बड़ा कमरा है, क्या है, और उस हिसाब से वो एक सूटेबल साउंड प्ले करेगा जो आपके पूरे कमरे में सराउंड साउंड आपको या सुनाई दे या अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस है म्यूजिक सुनने का वो हो पाए। तो एक तरीके से आप इसको स्मार्ट स्पीकर कह सकते हैं जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट जो है आपको मिलेगा। तो ये 2018 में आएगा। अगली चीज है जो आपको देखने को मिलेगी वो है कूरी, KURI। ये एक रोबोट असिस्टेंट है जिसमें एलेक्सा जो कि अमेजोन का एलेक्सा है उसकी सारे फीचर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट होता है इस तरह का असिस्टेंट है। लेकिन ये चल सकता है, मतलब इस रोबोट, ये क्यूट रोबोट है और इसके नीचे पहिए लग रहे हैं और ये आराम से कहीं भी जा सकता है। आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके आंखों में कैमरे लगे हुए हैं तो घर में घूम सकता है। आपके जो भी होम का आपने घर का जो प्लान कर रखा है कैसे कहां क्या चीज़ें रखी हुई हैं ये सेंस कर लेता है और आपके आसपास घूम सकता है, जहां चलना चाहो उसके साथ, अपने घर में कहीं भी घूमो आपके साथ साथ चलेगा, गाने सुनाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो और बच्चों को पढ़ा भी सकता है ये। तो एक चलता फिरता रोबोट आप कह सकते हैं जो घर घर में आप पहुंचेगा। जैसे असिस्टेंट होते हैं वो तो कई बार एक डिवाइस होते हैं जो रखे रहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये चलता फिरता असिस्टेंट है एक तरीके से, आप इसे रोबोट कह सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाली जाएगी और ये अब 2018 में देखने को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ खरीद लूँ अगर इंडिया में मिल जाता है तो, और उसका फिर करें हम कुछ चैनल पर। अगली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है R9 के VR स्मार्ट ग्लासेस। अब आप बोलेंगे ये कैसी चीज है, मतलब VR हेडसेट्स होते हैं ना वो लगाते लोग, इतने बड़े बड़े से होते हैं, ऐसे ऐसे 3D एक्सपीरियंस लेते हैं और 360 व्यू लेते हैं, उसमें इधर उधर देखते हैं, होता ना वो, तो उसके ही जैसा कंसेप्ट है जी इसका। लेकिन ये दिखने में बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मार्ट है और इसको पहनने से हैंडसम लगते हैं, वो बड़े से डब्बे को पहनने से बेवकूफ़ लगते हैं, इसको पहनने से हैंडसम लगते हैं। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। VR वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही आपको, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, $2000। बहुत होते हैं $2000 ऐसे चश्मे के लिए जिसके लिए 3D। अब देखिए शौक की कोई कीमत नहीं होती, जो लोग खरीदना जिनको खरीदेंगे ही। मैंने आपको बता दिया 2018 में आपको स्मार्ट VR स्मार्ट ग्लासेस जो भी ये है वो आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी ये छोटे हो जाएंगे तो ऐसे ऑड नहीं लगेगा पहने हुए, ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ और चीज़ लेके बैठे हुए हैं, कोई डब्बा सा सर पे लगा के बैठे हैं, ऐसा लगेगा कोई नॉर्मल चश्मा आपने पहना हुआ है और आप VR का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मुझे मालूम है अभी आप क्या सोच रहे होगे कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो बढ़िया के लिए आती है और बहुत अच्छा इन्वेंशन होते हैं, हमारे काम आसान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे इन्वेंशन करते हैं या ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई तर्क नहीं बनता। मेरी बात पर विश्वास नहीं है आपको, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जिससे आपको भी मेरी तरह ही लगने लगेगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर एक सैमसंग का मॉनिटर है जिसमें बारिश साफ करने वाला वाइपर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है ये कोई पता नहीं कर पाया क्यों लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। अगला देख सकते हो, टॉयलेट सीट के पीछे निकॉन का कैमरा लग रहा है क्यों लग रहा है भाई निकॉन का कैमरा, क्यों, क्या जरूरत है? और ये बनाना टेलीफोन मिल रहे हैं, ऐसे शेप के फोन कौन इस्तेमाल करता है ऐसे शेप के फोन। अगले में ये टोस्टर लग रहा है और नीचे से प्रिंटर लग रहा है, मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है। एक टॉर्च दिख रही है जिसमें सोलर प्लेट लग रही है, अरे यार जब धूप से ही चलने वाली टॉर्च है तेरी तो धूप में कौन टॉर्च जलाता है यार, कोई ये टोस्टर है जिसमें टीवी भी और रिमोट भी है, वाह वाह। ये कप के अंदर स्क्रीन लग रही है, वेब कप नाम है इसका, अच्छा तो चाय पियेंगे तो न्यूज कैसे पढ़ेंगे, अजीब है। ये मास्टर कार्ड और वीजा का कोई रीडर है जिसके टॉयलेट पेपर, ये स्प्रिंग वाला हथौड़ा, ये कैमरे वाला माउस, लेजर लाइट वाला फोर्क, मोबाइल वाली बंदूक, अरे यार ये सब बहुत ही अजीब है। तो इससे ये पता लगता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे काम को आसान नहीं करती है, कई अटपटी चीज़ें भी इस दुनिया में होती हैं और हमें वो भी देख लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नया जानने को मिला, आपको पता चला कि 2018 में क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है और आप क्या क्या नए गैजेट्स को अपने दुनिया में देख सकते हैं और आपको कुछ फनी चीज़ें भी देखने को मिली जो लोग कैसे इन्वेंशन करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।